हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगी। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या हैं और ये कहां कहां पर स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। मल्लिकार्जुन यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर ये ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकटों को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वो ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारनाथ केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उस स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथ श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। ये स्थान झारखंड प्रांत में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी
17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। घृणेश्वर मंदिर। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलतबाद के पास स्थित है। दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।